अभी तक हमने जो है दो प्रोसेसिंग चैप्टर डिस्कस की ना. फर्स्ट वाज द साइज रिडक्शन एंड सेकंड व्हिच वी हैव डिस्कस दैट इज द ड्राइंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. नाउ दिस इज द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन विच इज़ अबाउट द क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. ठीक है, कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ना, इसको आप किस तरह क्लीन कर सकते हैं, इसको सॉर्टिंग और ग्रेडिंग हम किस तरह करेंगे. रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन टू इम्प्रूव द आउटपुट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. ओके, सो लेट्स डिस्कस. ये मोस्टली थ्योरेटिकल प्रोसेसिंग्स हैं या थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं कोर्स का, लेकिन आप लोग जो है इससे आइडिया लेके कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल बेस्ड पे. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट एनी एक्टिविटी विच मेंटेन और रेज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और चेंज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोसेसिंग. ठीक है, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं ना, कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर लें या उसकी क्वालिटी को रेस कर लें या उसकी करेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर लें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइज रिड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हम फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहे हैं ना, सो दैट इज द चेंज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स. सो इफ यू आर मेंटेनिंग और रेजिंग द क्वालिटी और चेंजिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, इट विल बी कॉल्ड द प्रोसेसिंग. ठीक है, तो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आर टेकन जस्ट टू गेट द मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट. ठीक है, अगर सपोज आपके पास ये एप्पल्स हैं, इसमें अगर एक एप्पल खराब हो तो बाकी एप्पल जो है वो खराब कर सकते हैं. तो अगर वो खराब एप्पल को आप रिमूव कर लेना, तो बाकी एप्पल्स की क्वालिटी आपने मेंटेन कर दी. ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग होगा. एंड एट द एंड व्हाट विल हैपन, नेट इकोनॉमिक वैल्यू विल बी इंक्रीज, या प्रोडक्ट का जो इकोनॉमिक वैल्यू है ना वो रेज हो जाएगा. ठीक है, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है. एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड के वाई वी आर प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट्स, सो जस्ट टू एड वैल्यू टू द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, टू मिनिमाइज द डिमेज या डिटोरेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, टू इंक्रीज द स्टोरेज लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, टू हैंडल एंड मैनिपुलेट द प्रोडक्ट सो दैट इट मे गिव अस द मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड टू मेंटेन और इम्प्रूव और चेंज द करेक्टरिस्टिक्स. ये हमने डिस्कस की थी, इसलिए क्विकली कर रहे हैं कि हम प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हैं ना. ठीक है, कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, उसकी डिमेज जो है वो डिक्रीज हो जाए. ठीक है, एंड दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और थ्रू विच वी कैन मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसमें जो साइज रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड ड्राइंग, ये जो है ये हमने डिस्कस किए हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द क्लीनिंग, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग. ओके, अदर प्रोसेसेस भी है ना, जिस तरह सपोज अगर मिल्क को आप योगर्ट में कन्वर्ट करें, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन, दैट कैन आल्सो अ टाइप ऑफ चेंज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, सो एनी एक्टिविटी विच वी आर डूइंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी, इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी और चेंजिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, इट विल बी कॉल्ड द प्रोसेसिंग ऑपरेशन. सो क्लीनिंग जो है आपके ख्याल में कौन सा ऑपरेशन है, इम्प्रूवमेंट वाला है या मेंटेनिंग वाला है या चेंजिंग करेक्टरिस्टिक्स वाला है? जी, क्लीनिंग ऑपरेशन कौन सा है, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं या मेंटेन करते हैं या चेंज करते हैं करेक्टरिस्टिक्स को? मेंटेन करते हैं सर, मेंटेन करते हैं सर क्वालिटी को। अच्छा, सो सी एज वी हैव आल्सो डिस्कस कि जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होते हैं ना, उसको हम फील्ड में प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं,
बाय सोविंग द बेस्ट क्वालिटी सीड्स, उसको प्रॉपर इरिगेट करना, प्रॉपरली उसको हार्वेस्ट करना, तो आपके पास जो है क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर उस क्वालिटी को आफ्टर हार्वेस्टिंग हम जो मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए हमने प्रोसेसिंग करनी होगी। और किस तरह करनी होगी कि उससे जो लॉसेस हैं इसको अगर हम रिड्यूस कर लें, लॉसेस को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं कि डिमेज प्रोडक्ट को रिमूव कर लें, ठीक है, तो लॉसेस रिड्यूस हो जाएंगे ना हेल्दी प्रोडक्ट के, उसकी जो आउटपुट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर प्रॉपरली आप पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोडक्ट प्रोसेसिंग ना करें तो प्रोडक्ट जो है वो लॉस हो सकते हैं ड्यू टू द डिमेज, उसकी डीके या फिजिकल लॉसेस होते हैं, ठीक है, तो कास्ट उसका ज्यादा होगा, फिर मीन खर्च उस पर ज्यादा आएगा और प्रॉफिट कम होगा, बिकॉज ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट आपसे लॉस हो जाएगा ना, और मार्केट में फिर लोग जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं होते, तो मार्केट अपॉर्चुनिटी भी लॉस्ट हो जाती है, कंपिटेटिवनेस भी उस प्रोडक्ट का नहीं होता, ठीक है। तो प्रोसेसिंग एम इज टू हैंडल द प्रोडक्ट सो दैट इट विल गिव अस द हाईएस्ट नेट पॉसिबल रिटर्न, के मैक्सिममली नेट रिटर्न जो है इससे आ जाए। सो जनरल प्रोसीजर्स विल बी यूज टू इम्प्रूव मेंटेन और चेंज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो तीन प्रोसेसेस की वजह से हम इम्प्रूवमेंट मेंटेनेंस और चेंजिंग ऑफ क्वालिटी कर सकते हैं। एक ये कि प्रोडक्ट को अगर प्रॉपरली आप स्टोर कर लें कंट्रोल टेम्परेचर में, कंट्रोल ह्यूमिडिटी में, तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मेंटेन हो जाएगी। या अगर प्रोडक्ट से आप जो है डिस्ट्रक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर लें तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और सपोज आप उसकी साइज रिड्यूस कर लें, या उससे जो है जो सपोज फॉरेन और डिससिमिलर मटेरियल है उसको रिमूव कर लें, और प्रोडक्ट को सपोज ग्रेट कर लें डिफरेंट फ्रैक्शन में बेस्ड ऑन द साइज, बेस्ड ऑन द वेट, बेस्ड ऑन द कलर, बेस्ड ऑन द स्वीटनेस, ठीक है, ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है उसकी। तो इन तीन तीन स्टेजेस से या तीन प्रोसेसेस की वजह से वी कैन मेंटेन और इम्प्रूव और चेंज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज क्लीनिंग। क्लीनिंग इज जस्ट द रिमूवल of foreign or dissimilar or undesirable material from the product. ठीक है, एक हमारा product होता है ना जिसमें हम interested होते हैं, that is called the desirable product. ठीक है, the product in which we are interested. फिर suppose अगर उसमें कोई foreign material है, undesirable material है, unwanted material है, ठीक है, सो द रिमूवल ऑफ दैट अनडिजायरेबल मटेरियल या अनवांटेड मटेरियल या दैट फॉरेन मटेरियल, दैट विल बी कॉल्ड द क्लीनिंग, इसको हम क्लीनिंग कहते हैं, ठीक है। और इसको हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं ना, जस्ट प्रोडक्ट को वॉश कर लें या स्क्रीनिंग कर लें, उसकी सीव एनालिसिस कर लें, सपोज अगर ग्रेन्स है उसमें अगर क्ले है या सैंड पार्टिकल है तो उसकी स्क्रीनिंग कर लेना, सीविंग कर लें, या हैंड पिकिंग कर लेना बाय हैंड, आप उससे रिमूव कर लेना। सपोज अगर आप फ्रूट्स ले आए या वेजिटेबल्स आप ले आए और उसमें सपोज अगर अनवांटेड स्ट्रॉज हैं या लीव्स हैं या कोई प्लास्टिक्स के पार्टिकल्स हैं, तो इसको आप बाय हैंड रिमूव कर सकते हैं। या अगर आपके पास सपोज ग्रेन्स हैं और ग्रेन्स में सपोज क्ले पार्टिकल आ जाए, सैंड पार्टिकल आ जाए, तो उसको आप स्क्रीन कर लें ना, सीविंग उसकी कर लें। या अगर सपोज मोस्टली जो अर्दन प्रोडक्ट होते हैं, जिस तरह सपोज पोटैटोज है ना, तो उस पे अक्सर क्या होता है कि मड उसको अटैच्ड होते हैं, क्ले अटैच्ड होते हैं, तो उसको हम वॉश करते हैं फिर, ठीक है। सो जस्ट टू रिमूव द
अनवांटेड पार्ट या अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द डिजायरेबल मटेरियल दैट विल बी कॉल्ड द क्लीनिंग. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, व्हाई वी आर क्लीनिंग द प्रोडक्ट, जस्ट टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद प्रोडक्ट दैट इज अट्रैक्टिव एंड क्लीन विद मिनिमल रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन. ठीक है, मार्केट में जो प्रोडक्ट क्लीन होता है लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, कस्टमर अट्रैक्टिवनेस उसमें ज्यादा होता है. तो आप लोगों ने देखी हुई है ना, सुबह सुबह वो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, सब्जी वाले क्या करते हैं, उसको फ्रेश करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसकी सफाई करते हैं. ठीक है, अनवांटेड पार्टिकल उससे रिमूव करते हैं, दैट इज क्लीनिंग. सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉशिंग, रेंसिंग, सैनिटाइजिंग प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट रिडक्शन ऑफ द पोटेंशियल माइक्रोबियल कंटामिनेशन. ठीक है, वॉशिंग जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग फॉर द क्लीनिंग पर्पजेस. ठीक है, सी आपने ये कंसिडर करना है कि प्रोडक्ट जो है कितना डर्टी है, सी कितना या कौन सा प्रोसीजर आपने यूटिलाइज करना होगा क्लीनिंग के लिए. सो फर्स्ट यू विल हैव टू लुक इनटू द प्रोडक्ट कि इसकी डर्टनेस कितना है, अनडिजायरेबल मटेरियल उसमें कितने हैं. ठीक है, डिससिमिलर या फॉरेन प्रोडक्ट कौन सा है और कितना है. ठीक है, तो इसको आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं फिर. ठीक है, मीन कि वॉशिंग, स्क्रीनिंग या हैंड पिकिंग कौन सा मेथड आपने यूज करना है, कितना आपने प्रोडक्ट को क्लीन करना है. सो दैट विल बी डिपेंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन द डर्टीनेस ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, और कौन सा मेथड उससे प्रॉपरली रिमूव कर सकता है. ठीक है, सेकेंड टर्म जो हम यूज करते हैं दैट इज सॉर्टिंग. सो सॉर्टिंग इज रेफरिंग टू द सेपरेशन ऑफ द क्लीन प्रोडक्ट इनटू वेरियस क्वालिटी फ्रैक्शन दैट विल बी बेस्ड ऑन साइज, शेप, डेंसिटी, टेक्सचर और कलर. रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग. क्लीनिंग क्या है कि प्रोडक्ट से आप फॉरन मटीरियल रिमूव कर ले. जिस तरह सपोज अगर आपके पास एप्पल्स है ना, और एप्पल्स में सपोज अगर एक ऑरेंज आ जाए, तो अब ऑरेंज जो है दैट इज द फॉरेन मटेरियल, दैट इज द डिससिमिलर मटेरियल. तो उन एप्पल्स से आप ऑरेंज को रिमूव कर लें, ये क्लीनिंग हो गया. उसमें अगर लीव्स हो, स्ट्रॉज हो, स्टोन्स हो, क्लेस पार्टिकल हो, सैंड पार्टिकल्स हो, ये अनवांटेड प्रोडक्ट है या डिससिमिलर या फॉरेन प्रोडक्ट है. उसको आप जब रिमूव करते हैं एप्पल से या किसी भी प्रोडक्ट से, दैट विल बी क्लीनिंग. सॉर्टिंग क्या है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसको आप डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर ले बेस्ड ऑन द साइज. ठीक है, बाजार में होते ना डिफरेंट, सपोज एप्पल्स हैं, इसका रेट डिफरेंट होता है, दूसरी का जो है रेट डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन द साइज, बेस्ड ऑन द शेप, बेस्ड ऑन द डेंसिटी. सो ये जो क्लासिफिकेशन आप कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको सॉर्टिंग कहते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगेन टू रिमूव द प्रोडक्ट और पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट दैट मे डिस्ट्रैक्ट और पोज अ रिस्क फॉर द शॉर्टनिंग शेल्फ लाइफ और कंटामिनेशन. सी अब अगर ये मैंगोज है ना, इन मैंगोज में अगर ये दो प्रोडक्ट डिमेज हो जाए, अब ये डिससिमिलर नहीं है, ये फॉरेन नहीं है, ये अनवांटेड नहीं है, तो ये अगर आप रिमूव करते इसको हम क्लीनिंग नहीं कहते, इसको हम सॉर्टिंग कहते हैं. कि प्रोडक्ट को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द क्वालिटी. सिमिलरली अगर आप कलर और टेक्सचर और डेंसिटी और शेप, साइज और वेट के बेस पे आप सेपरेशन कर ले, तो इसको सॉर्टिंग कहते हैं. ठीक है, इट इज पॉसिबल टू मैकेनिकली. सो नाउ बीइंग एन इंजीनियर, हमारा काम क्या है, काम इस तरह टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें कि ये सेपरेशन जो है बेस्ड ऑन कलर या साइज ये मैकेनिकल हो जाए. इस तरह सेंसर आप डेवलप कर लेना कि सपोज अगर एक प्रोडक्ट पास हो जाए और उसका कलर जो है प्रॉपरली मैच्योर नहीं है, तो ये एक डायरेक्शन में चले जाए. ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे इस तरह एक बेल्ट लगा हुआ है ना, यहाँ पे आप इस तरह एक सेंसर लगाए कि सपोज एक एप्पल है, एप्पल आ रहा है, जब यहां तक आ जाए, सपोज अगर ये एप्पल जो है इसका कलर
बेस्ट क्वालिटी का नहीं है तो ये इस साइड में चले जाए, और अगर इसका कलर जो है बेस्ट क्वालिटी का है ये इस साइड में चले जाए। तो ये हमने सेपरेशन कर दी बेस्ड ऑन दी कलर, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें, ठीक है, कंटामिनेटेड प्रोडक्ट या सेंसिक प्रोडक्ट या इनसेक्ट डिमेज प्रोडक्ट है, या जो प्रोडक्ट है सपोज उसका अक्सर उसका स्किन जो होता है ना ऊपर लेयर जो होता है वो ब्रोकन होता है, ठीक है, तो या उसका साइज जो हाईली हाईली डिससिमिलर होते हैं, उसको आप किस तरह जो है क्लासिफाई करते हैं। थर्ड एक टर्म हम यूज करते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग जो है ये क्लीनिंग और सॉर्टिंग से डिफरेंट है। सी, ग्रेडिंग इंप्लाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द कमर्शियल वैल्यू। सॉर्टिंग में हम खराब प्रोडक्ट रिमूव करते हैं जो डिमेज्ड होते हैं, और ग्रेडिंग क्या है, अब आपका जो प्रोडक्ट है ये आपने क्लीन भी कर दिया, ये आपने सॉर्ट भी कर दिया, लेकिन स्टिल आप इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दें, तो फर्स्ट ए क्लास कैटेगरी होता है, फिर सेकंड क्लास सी क्लास होते हैं, बी क्लास होते हैं, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, इसको फिर ग्रेडिंग कहते हैं। इन क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इट्स कमर्शियल वैल्यू, बेस्ड ऑन इट्स प्राइसेस, इसको फिर ग्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। आप लोग जो है ग्रेडिंग और सॉर्टिंग में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ग्रेडिंग जो है दैट इज सेपरेशन ऑफ द हेल्दी प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रोकन वन। अगेन ये डिमेज नहीं होते, समझ आ रहा है, जब आप डिमेज प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तो ये सॉर्टिंग होगा, और अगर आप हेल्दी प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ये ग्रेडिंग होगा, ठीक है। ग्रेडिंग जो है दैट इज बेस्ड ऑन दी साइज, ठीक है, शेप, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी बेस पे फिर उसके प्राइसेस भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। क्लीनिंग मीन्स फ्री ऑफ एनी विजिबल साइन एंड अदर मटेरियल। इस तरह ना हो कि सपोज देखिए ये एप्पल है या प्रोडक्ट है, उसमें साइल्स हो, क्ले हो, या उसमें स्ट्रॉज हो, या लीव्स हो, या कोई और जो है गंदगी हो उसमें, तो इसको हम क्या करते हैं प्रॉपरली उसकी क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, ठीक है, कि फ्रूट जो है ये फ्री ऑफ डस्ट हो जाए, डर्ट हो जाए, या फॉरन मटेरियल हो जाए, सो इसको क्लीनिंग कहते हैं। क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग कंटेन मोस्टली, जब हम ग्रेन्स ऑब्टेन करते हैं ना फील्ड से, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होते हैं। इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज फॉर एग्जाम्पल अदर क्रॉप्स की सीड्स अक्सर आ जाते हैं, स्ट्रॉज आ जाते हैं, उसमें इंसेक्ट्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज अक्सर स्टोन्स होते हैं, क्लॉड्स होते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स की इंप्योरिटीज होते हैं, सो हमने क्या करना है, हमने इन इंप्योरिटीज को रिमूव करना है, सो दैट इज कॉल्ड द क्लीनिंग, ठीक है। सो ग्रेन्स विद इंप्योरिटीज फेच लोअर प्राइसेस, अगर ग्रेन्स में ये इंप्योरिटीज हो तो उनकी कीमत जो है वो लोअर हो जाती है। सिमिलरली फॉरन मटीरियल अगर प्रेजेंट हो, अगर क्लॉट्स प्रेजेंट हो, उसमें स्टोन्स प्रेजेंट हो, तो उसका वेट ज्यादा होता है, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली कंटामिनेटेड प्रोडक्ट अगर प्रेजेंट हो, सो इट कैन लॉस द प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है, मीन अगर उसमें खराब और डिमेज प्रोडक्ट आप स्टोर कर ले तो पूरा प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी फंक्शन है कि हम क्यों करते हैं क्लीनिंग, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट में स्टोन्स हो और उसको आप सपोज अगर व्हीट है उसमें स्टोन्स हो और उसको आपने उसका साइज रिड्यूस करना है, फ्लोर को कन्वर्ट करना है बाय हैमर मिल या एट्रिशन मिल, और उसमें स्टोन्स चले जाए, तो इट विल काज वियर एंड टीयर टू दैट इक्विपमेंट। सो बिफोर ग्राइंडिंग इट आपने उसकी क्लीनिंग करनी होगी। सिमिलरली ग्रेडिंग ऑफ सीड अगर आप प्रॉपरली कर लेना, डिमेज प्रोडक्ट उसी रिमूव कर लें, तो उसकी जर्मिनेशन पावर और लाइफ पर जर्मिनेशन ये इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नेसेसरी
टू ग्रुप देम एज पर कमर्शियल स्टैंडर्ड एंड यूजेज। ठीक है, मीन कि उसको आप डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर लें। अक्सर इस तरह होते हैं, मैं आप लोगों को जस्ट सिंपल एग्जाम्पल दू ग्रेडिंग का, कि अगर सपोज आपके पास 10 किलोग्राम के एप्पल्स हैं, उसमें स्मॉल साइज की भी है, लार्ज साइज की भी है, बेस्ट कलर की भी है, खराब कलर की भी है। तो सपोज वो 10 किलोग्राम एप्पल अगर आपको सपोज 1000 रिटर्न में दे रहा है, 1000 अमाउंट, अब इस 10 किलोग्राम को अगर आप डिवाइड कर लेना, 3 किलोग्राम उसमें फर्स्ट क्लास के हो जाएं, सपोज 3 किलोग्राम उसमें बी क्लास के हो जाएं, और 4 किलोग्राम सपोज सी क्लास के हो जाएं, तो ऑब्वियसली द प्राइस ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन बी एंड द प्राइस ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन सी। तो अगर कंबाइंडली आप इसको सपोज 100 रुपी पर किलोग्राम सपोज आप इसको सेल कर रहे हैं, तो आपको 1000 अमाउंट मिलेगा। अब इस तरह भी है कि ए क्लास को सपोज आप 150 में फरोख्त कर लें, या सपोज 200 में इसको आप सेल कर लें, तो इन 3 किलोग्राम से आपको 600 मिलेगा। अब सपोज ये बी क्लास अगर आप 150 में सेल कर लें, तो इससे आपको 450 मिलेगा। अब ये सी क्लास सपोज आप इसको 50 में सेल कर लें, इवन लेस देन दी 100, तो इन 4 किलोग्राम से आपको 200 मिलेगा। तो इनसे टोटल आपको कितना मिल रहा है? ठीक है, 200, 800, 1250 मिलेगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द ग्रेडिंग। ठीक है, ये ग्रेडिंग है। ठीक है, ए बी सी तीनों कैटेगरीज जो है ये हेल्दी है, उसमें डिमेज नहीं है, उसकी क्लीनिंग हुई है, लेकिन स्टिल आपने उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दी, इसको ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट हम ग्रेड करते हैं ना बेस्ड ऑन द कमर्शियल वैल्यू, अगेन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं बाय डिफरेंट एजेंसीज के प्रोडक्ट को आप किस तरह ग्रेड करेंगे। ठीक है, सो जिस तरह ये मीट है या डेयरी प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं या ग्रेन्स हैं, ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स हैं, मीन ऑल ऑफ दीज आर ग्रेडेड बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड and different standards are available by different agencies. ठीक है, great factors apply करते हैं ना, it's based on the moisture content. For example, अगर fruits हैं, ठीक है, तो mostly fruits जिसमें moisture content या juice ज्यादा हो वो preferable होते हैं. Similarly, size, weight, color, texture, shape, इस base पे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं हर एक फ्रूट के लिए, हर एक वेजिटेबल के लिए या हर एक प्रोडक्ट के लिए, कि अगर इसका साइज इतना हो तो ये ए क्लास का होगा, अगर इसका साइज इस रेंज में हो तो ये बी क्लास का होगा, इसको ग्रेट फैक्टर्स कहते हैं। सिमिलरली केमिकल करेक्टरिस्टिक्स है ना, कुछ प्रोडक्ट इस तरह होते हैं कि सपोज उसको हम किस बेस पे हम इसको इसको प्रायोरिटी देते हैं, बेस्ड ऑन द ऑर्डर। ठीक है, जब हम तरबूज खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी ऑर्डर को फील करते हैं ना, तो उसकी बेस पे भी आप उसकी कैटेगरी कर सकते हैं। सिमिलरली बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट जो है उसकी जर्मिनेशन पावर ज्यादा होगा वो ए क्लास के प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, अगर प्रोडक्ट है उसकी जर्मिनेशन पावर इंटरमीडिएट हो तो वो बी क्लास का प्रोडक्ट होगा। तो इस बेस पे जब आप कैटेगराइज करते हैं इसको ग्रेडिंग कहते हैं। ग्रेडिंग कैन बी परफॉर्म बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड द स्टैंडर्ड फॉर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर एडवाइज्ड बाय डिफरेंट एजेंसीज फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो उस बेस पे फिर आप उसको डिफरेंट क्लासेस में ग्रेड कर सकते हैं। ठीक है,